वेलकम टू मित्रा स्टडी नौगछ। आज हम लोग समांतर श्रेढ़ी क्लास टेंथ चैप्टर 5 को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो है मैंने प्रश्नावली 5.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया है, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 5.2 में। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रश्नावली 5.2 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम दिखा देंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्नावली 5.2 देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 5.2 जो कि चैप्टर हमारा है, और इसको पहले पढ़ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है इसमें, और उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और एनवा पद एन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला नंबर में हमारा ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो हमको एन फाइंड करना है। दूसरा नंबर में ए दिया है, डी हमें फाइंड करना है, जबकि एन दिया गया है और एन भी दिया गया है 0। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ नहीं दिया गया है तो उसको हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया कि क्या प्रश्न था, अब इसको हम बिना देर किए चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए एक एक करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो हम यहाँ पर थोड़ा इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर सवाल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है, पहले लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन एक नंबर में क्या दिया है, दिया गया है कि क्या दिया है, ए बराबर हमारा दिया है 7 और सारवांतर जिसको हम डिफरेंस कहते हैं वो दिया गया है 3 और एन दिया गया है हमारा 8 और हमें फाइंड करना है एन बराबर वाट। तो ये आपने देख लिया। अब आप जानिए कि एन बराबर फॉर्मूला होता है मेरा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एन बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ देखिए कि ए के लिए हमारा कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए के लिए 7 प्लस एन के लिए हमारा कितना दिया है 8 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी के लिए हमारा कितना दिया है 3। तो इस तरह से हमारा हो गया 7 प्लस 8 में से यदि 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 7 प्लस 21 और यदि 21 और 7 को आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 28। तो इस तरह से हमने पहले सवाल को सॉल्व कर लिया जो कि n बराबर 28 था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमारा सारणी में भरने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो an के लिए हमारा कितना निकल गया 28, तो ये हमने भर दिया यहाँ पर। तो चलिए अब इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a बराबर हमारा दिया है -18, हमें d फाइंड करना है जबकि n के लिए 10 दिया गया है और n इक्वल टू 0 दिया गया है। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम आपको पूरा सिलसिला वाइज बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब दूसरे नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे नंबर सवाल में दिया गया है कि ए बराबर हमें फाइंड करना है, डी बराबर -3 है और एन बराबर 18 दिया गया है प्रश्न से तथा एन बराबर 5। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि ए ज्ञात कीजिए, तो हम फार्मूला यूज करेंगे चूँकि एन बराबर हम लोग जानते हैं, चूँकि एन बराबर फार्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एन के लिए हमारा वैल्यू दिया है -5 इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे ही लिख दिए, और एन के लिए हमारा वैल्यू दिया है 18 -1 और डी के लिए दिया है हमारा -3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से यदि एक माइनस हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 17 मल्टीप्लाई -3 -5 बराबर ए 17 या हमारा 51 हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं या करके ए -51 इक्वल टू -5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू -5 प्लस 51। अतः ए बराबर हमारा हो गया, यदि हम 51 में से 5 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46। इस तरह से हमने ए फाइंड कर लिया। तो चलिए आपको हम सारणी के माध्यम से जाके दिखाना चाहते हैं। तो ये तीसरा नंबर का सवाल था, तो ए बराबर हमारा आया 46, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए के लिए जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा 46 आया है, तो यहाँ हम 46 लिख दिए।
अब हम दूसरे नंबर सवाल को भी देखेंगे, चूंकि ये हम नहीं कर पाए तो अब चलिए दूसरे नंबर को भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरा नंबर सवाल में जो दिया गया था, तो यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल है हमारा, यहाँ पर ए बराबर दिया है हमारा -18, और हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है डी, डी फाइंड करना है, जबकि एन बराबर जो हमारा दिया गया है वो एन बराबर हमारा दिया गया है 10, और ए एन बराबर हमारा दिया गया है 0। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, चूँकि ए एन बराबर फार्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के लिए कितना दिया है, 0 दिया है, ए के लिए कितना दिया है, -18 दिया है, प्लस एन के लिए कितना दिया है, तो 10 दिया है, -1 इंटू डी, डी चूँकि फाइंड करना है। तो अब देखिए 0 हो गया, इसको इस पार लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, 0 प्लस 18, और 10 में से एक यदि हम माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 18 इक्वल टू 9 डी, या डी इक्वल टू 18/9, तो ये हमारा 2 हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे डी को सर्वांतर कहते हैं, तो डी बराबर हमारा 2 आया। तो इस तरह से हम यहाँ पर भर देते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डी कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ दूसरा नंबर सवाल का, तो यहाँ पर हमारा डी के लिए आया 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया है -18.9, डी दिया है 2.5, और एन हमें फाइंड करना है, और जबकि एन बराबर 3.6 दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम याद करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने सवाल को लिख लिया है जो कहा जा रहा था प्रश्न से हमारा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चूँकि एन बराबर फार्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन बराबर हमारा 3.6 दिया गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3.6, और ए के लिए हमारा दिया गया है -18.9 प्लस, चूँकि एन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो एन का तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन डी के लिए दिया है हमारा 2.5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम 3.6, इसको इस बार लाएंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पर हमारा आकर प्लस हो जाएगा, तो 18.9 इक्वल टू 2.5 इंटू एन माइनस वन। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 3.6 है और 18.9 है, इसी को हमको ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 22.5, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो गया ये 2.5 इंटू एन माइनस वन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, या इसको पहले लिखेंगे 2.5 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 22.5, या इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन इक्वल टू 22.5/2.5, चूँकि ये गुना है, इधर आकर भाग हो गया। तो अब इसको हम कटा देंगे, तो इसको कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट उड़ जाएगा और ये भी पॉइंट उड़ जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये बच जाएगा 225/25। अब यदि इसको भाग दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9 बार में कट जाएगा, 25 × 225 होता है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया n माइनस वन इक्वल टू 9। अतः n बराबर क्या लिखिएगा आप, 9, ये चला जाएगा उस पार, तो यह 10 हो जाएगा n के लिए वैल्यू। तो यही हमें कहा जा रहा था कि n का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर सवाल में n का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो इसका वैल्यू हमने फाइंड किया, ये 10 हो गया। तो अब पाँचवा नंबर सवाल आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि a के लिए 3.5, d के लिए 0 दिया है, n के लिए दिया गया है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n के लिए 105 दिया है, an हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न में दिया गया था उसको हम लिख लिए हैं, और इसमें n कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो n बराबर जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो n बराबर हमारा फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप देखिए कि a के लिए कितना दिया है, 3.5 दिया है,
और एन के लिए हमारा दिया है 105 माइनस एक, और डी के लिए हमारा दिया गया है 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 3.5, 105 में से यदि एक माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 104 × 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से 3.5 प्लस यदि 0 को गुना कीजिएगा तो 104 से तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू आ गया 3.5, यही हो गया, यहाँ लिख देंगे। अतः एन बराबर 3.5, तो ये आपने समझ लिया कैसे हुआ इसका वैल्यू। तो ये हम भर देते हैं, तो यहाँ आप देख भी रहे हैं कि सारणी में कहा जा रहा है, तो ये हमारा कहा जा रहा था निकालने के लिए एन, तो एन के लिए वैल्यू आ गया हमारा 3.5। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 5.2 का एक नंबर का जो सवाल था वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा नंबर सवाल में दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला नंबर में है AP 10.74... का 30वां पद है, तो ये विकल्प दे दिया है ABCD। इसमें हमें पता लगाना है कि जो है ये इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए वैसे मैं आपको किताब भी दिखा देना चाहूँगा कि किताब में भी इस तरह का सवाल ही दिया गया है, वैसे मैंने लिख लिया था वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सेम सवाल यहीं पर यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें दो प्रश्न दिया गया है जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न मैंने लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा 10 है, ये मेरा पहला पद हुआ। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। यानी देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरह से चल रहा है। तो डी के लिए हमें दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो दूसरा पद देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है, और पहला पद हमारा कितना है, 10 है। तो 7 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, यानी -3 होगा। और तीसवां पद, यानी तीसवां पद का राय याद करने के लिए, तो एन बराबर हमारा क्या है, 30, यही है। तो चलिए इसको हम बिना देर किए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा था करने के लिए ज्ञात। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि फार्मूला हमको पता है कि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये देखिए एन के लिए कितना है, 30 है, तो ए के लिए कितना दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि हमने निकाला 10, प्लस एन के लिए हमारा वैल्यू कितना है, एन के लिए वैल्यू हमारा है 30, माइनस एक इंटू डी के लिए कितना है वैल्यू, -3। तो ए 30 बराबर हमारा हो गया 10 प्लस 30 में से यदि एक घटा दीजिएगा तो 29 हो जाएगा गुना -3। तो इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे इसको, 10 और 29 दिया 87। तो 87 में यदि हम 10 माइनस कर देते हैं तो ये मेरा वैल्यू आ जाता है लगभग जो है हमको लगता है -77 होगा। यहाँ पर इसको आप घटाइए ढंग से तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -77। तो यहाँ पर विकल्प जो होगा यहाँ लिखेंगे हम, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि विकल्प सी सही है या नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से आप देख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं विकल्प सी सही है। तो इस तरह से जो है हमने दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे जो कि दूसरे नंबर से ही संबंधित है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AP-3-1/22... का 11वां पद है, तो कौन सा 11वां पद है, तो ये हमें कहा जा रहा है विकल्प में फाइंड करने के लिए। तो आपको हम किताब दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ इसी तरह का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AP-3/22 का 11वां पद है, तो कौन सा है, A28 या B22 या C-38 या D-48.2। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तो जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि ए बराबर हमारा कितना है, -3 है, अब सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। तो सेकेंड टर्म में आप यहाँ देख रहे हैं कि -1/2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा -1/2 = 6। यहाँ पर भिन्न भिन्न का आप जोर कर लीजिए, 2/6 में से एक जाएगा तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि एन बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो
अगर आपने फार्मूला नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप फार्मूला देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर तमाम फार्मूला जो इससे संबंधित है वो बता दिया है। तो चलिए इसको हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए मेरा कितना है, माइनस तीन है, तो ये देखिए माइनस तीन हो गया। और हाँ एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि एन के लिए 11 पद है, तो ये तथा लिख देंगे यहाँ पर, तथा एन इक्वल टू 11। तो माइनस थ्री प्लस 11 माइनस एक इंटू डी के लिए हमारा कितना आया है वैल्यू, ये देखिए डी के लिए वैल्यू हमारा आया है 5/2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ माइनस थ्री प्लस 11 में से एक घटाएंगे तो 10 हो जाएगा गुना 5/2, इसको कटा दीजिए 2 × 5 = 10। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस 5 × 25, और 25 में से यदि आप माइनस तीन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 22। तो ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे हम 22। तो विकल्प जो है बी सही है, यहाँ लिख देंगे विकल्प बी इज करेक्ट। तो ये देखिए आप विकल्प बी सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 22 यही होगा। तो आज जो है हमने प्रश्नावली 5.2 से संबंधित जो है, एक तो पहले जो सारणी में कहा जा रहा था उसको मैंने फाइंड किया, और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया दूसरा नंबर का तो वो भी मैंने फाइंड किया। चूँकि अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, चूँकि अब वीडियो लंबा हो जाने के बाद दिक्कत हो जाता है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए हमारे साथ। हाँ यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है वीडियो में अपना कमेंट दे सकते हैं, जहाँ भी आपको परेशानी होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये भी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह का बेनिफिट प्रतिदिन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।